जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया एवं जोरदार नारे लगाए गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं अन्य वक्ताओं ने कहा कि बिहार की सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, आईएएस के शिकंजे में बिहार की सरकार काम कर रही है, जिसका जीता जागता नमूना 1700 करोड़ का पुल ध्वस्त हो जाना है। नीतीश कुमार 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध इनका कोई भी कदम नहीं उठता है। अगर यही रवैया रहा तो बिहार और पिछड़ता चला जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कई सदस्य मौजूद थे जो नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मोहम्मद जसीम के साथ साहिल की रिपोर्ट। गंगा नदी पर 1700 करोड़ की योजना का पुल बन रहा था, वह धराशायी हो गया और यह दर्शाता है कि यह सरकार बिल्कुल निकम्मी है और इसका भ्रष्टाचार से साजगांठ है। भ्रष्टाचारियों के आगोश में यह सरकार कार्य कर रही है। सत्ताधारी दल के विधायक संजीव कुमार ने भी विरोध जताया है कि सरकार आईएएस अधिकारियों के शिकंजे में है और भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देकर यह कार्य कर रही है। और इसका एक नमूना है कि साल भर के अंदर यह पुल दूसरी बार धराशायी हुआ है, जो बिहार के लिए बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। जब देश तेज गति से विकास कर रही है, सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 75% रुपया बिहार के विकास के लिए दे रहा है, तब आप उन रुपयों का दुरुपयोग करके उस बहुमूल्य राशि को भ्रष्टाचारियों को खिला रहे हैं। नीतीश कुमार का पुतला फूके हैं, बतौर मुख्यमंत्री आज 17 वर्ष उस प्रदेश में काबिज हैं और भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बन चुके हैं। उसका यह छोटा सा नमूना है। अगर सरकार नहीं चेती और कंसल्टेंसी पर अगर उन्होंने आरोप तय नहीं किया, युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में सड़कों पर आएगा और सरकार को बाध्य करेगा कि अगर आप अपनी सरकार को आपको हम रोड पर लाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 2025 में सत्ता में काबिज होकर के प्रदेश का कुशल नेतृत्व करेंगे। क्या नाम है? युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी।